तो भाई देख सकते हो आप, बहुत ही बड़ा सांप है। मैं तो इनको जल्दी से कुछ दे देता हूँ और लो बाबा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसा आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे, सलामत होंगे। तो गाइस नामक एकदम तैयार हो चुके हैं, अभी टाइम 8:30 बज रहे हैं सुबह के, और गाइस थोड़ा पानी खुला है, ये देख सकते हो आप। हालांकि बादल तो छाए हुए हैं, ये देखो ये सब बादल ही है, पूरे बादल ही आसमान तक, पूरे आसमान में कभी भी बरसात आज भी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल खुला है तो हम हमारा काम फटाफट कर लेते हैं। देखो कल यहाँ पर गाइस पानी था ना, कितना सारा पानी था, आज खत्म हो चुका है पानी, बस ये इतना सा पानी बचा है। तो गाइस सबसे पहले तो चाय पीते हैं, असद भी उठ गया है। हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, और ये मेरे भाई की लड़की सनाया साहिबा को उठाने के लिए आई है ना, है स्कूल ले गई, अभी जाएगी स्कूल। क्या मांग रही है? हाँ चल, तैयार हो गया तुम, स्कूल जाना है ना फटाफट। तो गाइस अभी है ना चाय गर्म हो रही है मेरी, ये बस बस बस। बस चाय पी ली है और ये रही मेरी दुकान की चाबी, जो कि 2-3 दिन से दुकान नहीं खुली है। अभी फटाफट दुकान पे जाते हैं, कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, काम आता है या नहीं आता ये भी देखते हैं, क्योंकि ये ना चारों तरफ हमारे गांव के आसपास सब गीला ही गीला है, लोग अभी गांव में आ नहीं रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। और दोस्तों ईद की वजह से ना बहुत सारा खर्चा हो चुका है, बच्चों के कपड़े वगैरह भी लाए थे ये वो, तो बहुत सारा खर्चा हो चुका है। तो अभी खर्चा, अभी पैसे वैसे भी है ना बहुत कम बचे हैं, तो इसलिए ना कुछ काम करते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं। गाइस दोनों बेटियाँ सोई है मेरी, सनाया साहिबा दोनों सोई है, और असद कहाँ जा रहा तू? सामान लेने जा रहे क्या? गाइस चाचा के वहाँ का है ना सामान लेने के लिए जा रहा है, राशन वगैरह है ना, चिट्ठी रही है, उन्होंने चिट्ठी दी है इसको, जल्दी आना है। डुकरा वारलू की क्या हो गया बेटे? क्या मटन मैंने अकेला अकेला खा लिया? दादा मेरे यहाँ मटन थोड़ी बना है, भाई के वहाँ बकरा था मेरा। हाँ मेरे बड़े घर भी नहीं था, वहाँ भाई के वहाँ था, इमरान के वहाँ। मटन ला दो क्या? मटन ला दू? चाय चलो पीना, आना दुकान, मैं दुकान खोल रहा हूँ। तो मैं टिफिन लेके आऊंगा आज, अब देखते हैं बन रहा, अभी तो टिफिन लेके आऊंगा है ना। तो गाइस है ना दादा बोल रहे हैं कि मटन नहीं खिलाया, तो आज है ना उनको मटन खिलाएंगे, तो अभी मटन है ना बन रहा है, तो दादा को बिल्कुल ला के देंगे ना, और चाय भी पिलाएंगे ना। तो गाइस दुकान पे आ चुके हैं और रुपेश ने अभी लिया है भुट्टा, वहाँ से वो जा रहा थैले वाला, चखा यार जरा सा चखा, इसमें से 3 टुकड़े हाँ। कर लो, 2 करो नहीं जरा सा चखा दे, एक तो इतने सारे किसको दे? 3 टुकड़े। गाइस ये भुट्टे आ चुके हैं हमारे यहाँ गाँव में और बिक भी रहे हैं है ना, तो ये इस साल का पहली बार भुट्टा खा रहे थे हम। चेस 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 पीने में चेस करते हैं तो खाने में चेस कर रहे हैं। तो गाइस कैसा मीठा है? गाइस ये है मार्केट। तो गाइस अभी काम नहीं आया है, काम का वेट कर रहे हैं, बारिश की वजह से काम बहुत कम आ रहा है। अभी ना बाबा आए हैं क्योंकि सांप लाए हैं बहुत बड़ा, और सांप दिखा रहे हैं और कुछ मांग रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सांप कितना खतरनाक। कहाँ से पकड़ा दादा? बहुत ही खतरनाक है यार, बहुत बड़ा है यार है ना, खतरनाक से है। क्या बोलते हैं इसको ओरिजिनल? है सांप ही बोलते हैं, खतरनाक है। तो भाई देख सकते हो आप, बहुत ही बड़ा सांप है, मैं तो इनको जल्दी से कुछ दे देता हूँ और लो बाबा।
लगा दो। गाइस ये बाइक का पंचर जोड़ रहा हूँ मैं, देखो कितना गीला है। तो गाइस ये यहाँ पर पंचर देखो, सनाया है ना दुकान पे आई और देखो हरकतें सनाया की, देखो पानी के साथ खेल रही है, पानी पन्नी में डाल दिया है और पन्नी को फोड़ दी है ना पर। और ये देखो छोड़ दो, ये पानी कहाँ गिरा रही, तगारी में पंचर जोड़ने की जो तगारी है ना मेरी, सनाया पूरा गीला होगा, पहले ही बहुत गीला है यार देख है। तो क्या बिस्किट लेना है ना, बिस्किट लेना है ना, चलते को मैं बिस्किट दिला लाता है ना, बंद कर जल्दी खाली कर दो। गाइस सनाया को बिस्किट दिला दिए है, ये देखो पूरा पैकेट दिला दिया, चलो चले जाना ना। चल देखो मैं पैदल चौड़ा था यहाँ तक रख सकते है ना। तो गाइस अभी ना दुकान पे ही बैठे हैं और जो हमारी दुकान का जो धंधा है ना वो बहुत कम है, बहुत ही कम है और इतने धंधे से कुछ भी नहीं होता गाइस। कम से कम 500 रुपये उस तक घर का खर्चा है और अभी मतलब दुकान कुछ भी नहीं चल रही है तो कभी बड़ी परेशानी वाला मामला हो चुका है। और क्या करें, बेचना तो पड़ता है दुकान पे, आप सभी को पता है, आप भी दुकान चलाते होंगे तो अगर बिजनेस नहीं भी रहा, धंधा नहीं भी रहा तब भी बेचना पड़ेगा। तो वैसे आज बैठे हैं लेकिन धंधा वंदा आज कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही काम हुआ है, आगे और देखेंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं कि दद्दू के लिए टिफ़िन लेके आते हैं, वैसे मैंने भी आज खाना नहीं खाया है, बहुत लेट हो चुका हूँ, 4 बज रही है अभी। तो दद्दू ने बोला था कि शाम के लिए खाना लेके आना, मेरा दिन में तो वैसे दद्दू ने खाना खा लिया है, शाम का खाना लेके आना है तो इसलिए मैंने लेट कर दिया। तो अभी क्या करते हैं, घर जाते हैं, टिफ़िन भरवाते हैं दद्दू के लिए और दद्दू को टिफ़िन देते हैं। दद्दू यहीं के आसपास बैठे हैं और दद्दू के लिए टिफ़िन पैक करवा रहे हैं। अभी है ना मटन गर्म हो रहा है, खा लेगा बेचारा दादू अपना, नरम नरम डाल लेते ना, ये चबाएगी भी नहीं। बस 3 रोटी देता हूँ, ठीक गाइस। दद्दू का टिफिन हो चुका है पैक, अभी जाके मैं दे देता हूँ, घर दुकान पे होंगे वो, उनको बिठा के आया हूँ मैं दुकान पे। दे दो नरम नरम दद्दू खा ले। हाँ आता हूँ मैं दुकान बंद करके ने, कोई आया था गिराक, गिराक एक भी नहीं आया। लो ये टिफिन घर लेके जाना और खाना है, टिफिन भले ही तुमने कल ले आना या फिर शाम को ले आना, टिफिन वापस ना दोगा। अरे तो ये टिफिन तो वापस लाना पड़ेगा कि नहीं है, ये टिफिन वापस ले लेना, बाकी अंदर का जो माल है वो खा लेना है ना, टिफिन भी खा जाना है। तो गाइस मैं भी अभी ना दुकान बंद करता हूँ, शाम हो चुकी है। गाइस साहिबा है ना, तैयारी रही थी दौड़ने के लिए ना। खाना खाया साहिबा,
हाली क्या बनाया? गो चल मैं फ्रेश हो जाऊं। अरे सभी पापा क्या कर रहे हैं पता है आपको? सनाया साहबा को घोड़ा बन के बिठा रहे हैं। बस है बस सनाया बस और घुमाओ और घुमाओ। गाइस ये भी कोई ना आज घोड़ा बना दिए, इनको घोड़ा बना के घुमाना पड़ रहा है। बस बस आप दोनों गिर जाएंगे। बस काफी रात हो रही है और वीडियो का एंड करने का टाइम भी हो चुका है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमारे वीडियो